एक मुसलमान को प्रायः नमाज के दौरान या नमाज के बाहर भद्दे विचार और बुरे वसवसों का सामना करना पड़ता है। निसंदेह रूप से इस प्रकार की चीजें शैतान की ओर से होती हैं, क्योंकि वह मुसलमान को गुमराह करने, उसे भलाई से वंचित करने और उससे दूर रखने का इच्छुक है। यह सर्वशक्तिमान अल्लाह की दया है कि वह इस प्रकार के वसवसा के कारण अपने बंदों को दंड नहीं देता है, जब तक कि वह इसको बोल न दे अथवा इसके अनुसार कर्म न कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले विचारों को क्षमा कर दिया है, जब तक कि वह इसे बोल न दे अथवा इसके अनुसार कार्य न कर ले। शैतान आदमी के पास आता है तथा अल्लाह अथवा उसके रसूल अथवा शरीयत के विषय में ऐसे बुरे विचार उसके मन में डालता है जिसको मुसलमान नापसंद करता है। ऐसे बुरे विचारों को अप्रिय रखना तथा अपने मन से इसे झटक देना ईमान के सही होने का प्रतीक है, क्योंकि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए तथा कहा कि हम लोग अपने मन में ऐसे विचार पाते हैं जिसे बयान करना महापाप हम समझते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वास्तव में ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो आपने फरमाया, यह तो ईमान की अस्पष्ट दलील है। मुसलमान को आदेश दिया गया है कि वह इस प्रकार के विचारों को मन मस्तिष्क से झटक दे, किंतु यदि वह इस विचार को झटकने के स्थान पर इसे और अधिक सोचता ही चला जाए तो उसे इस लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा। इस प्रकार के वसवसों अर्थात दुष्ट विचारों को कुछ चीजों के द्वारा दूर किया जा सकता है, जैसे भोर सांझ कुरान एवं शरई अजकार अर्थात जाप को पढ़ने की आदत बना लेना, आज्ञाकारिता करने एवं अवज्ञा से बचने के द्वारा ईमान को दृढ़ करना, ज्ञान की खोज में व्यस्त रहना, क्योंकि विद्वान उपासक की तुलना में शैतान के लिए अधिक कठोर होता है। इसी प्रकार से आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही कहना भी लाभदायक है, क्योंकि आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है तथा कहता है, तुझे किसने पैदा किया? वो अपने मन में कहता है, अल्लाह ने। फिर शैतान कहता है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? यदि तुम में से किसी के साथ ऐसा हो तो वो आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ ले। यदि इस प्रकार का दुष्ट विचार नमाज में आए तो शैतान से अल्लाह की शरण मांगे एवं बाई ओर 3 बार थुक थुकाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति आया और कहा, हे अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे तथा कुरान के पाठ के बीच रुकावट बन गया, वो मुझे संदेह में डाल देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खिंजिब नामी शैतान है, यदि ऐसा अनुभव करो तो उससे अल्लाह की शरण मांगो एवं 3 बार बाई ओर थुक थुकाओ। वो कहते हैं कि जब मैंने ऐसा किया तो अल्लाह ने उसे मुझसे दूर कर दिया।